भजन चाहिए। कुरान मजीद का पढ़ना, कुरान मजीद का उस रघुबी के साथ पढ़ना, कवायद की रियायत करके पढ़ना बड़ा अहम काम है। एक दौर था हमारे मुल्क में जब हदीस के खिलाफ इतना उठा, उलमा की एक जमात ने उसके रद्द के लिए हदीस का गहरा मुतारा किया। हदीस के मन्नी शऊर को अपने अंदर लाने की पूरी कोशिश की। चुनांचे यही वजह है हदीस के यहाँ हमी एतबार से हदीस की मारफत और उनके इलम की जानकारी के लिए माजी में जो मेहनतें उलमा ने की उनमें ऐसे बाकमाल लोग पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी शख्सियत का लोहा बनवाया। आप जानते हैं कि रियारे हिंदू पाक में उलमा की एक बहुत बड़ी जमात जिसने किताब सुन्नत की खिदमत के लिए, सीरत मुतहरा की खिदमत के लिए अपना पूरा का पूरा वक्त सर्व कर दिया, और ऐसे बाकमाल और होनहार अहले इल्म पैदा होकर इस मुल्क की आप तैयारी करने के लिए आगे बढ़े, बातिल उनके सामने झुक गया। प्यारे पाक हिंद में उलमा ने जितनी किताबें लिखी वो अहादीस की तशरीहात रही हो या अहादीस के फन पर दूसरी किताबें रही हो, रिजाल के मुताबिक खिदमात रही हो, और फहमे कुरान और फहमे हदीस के मुताबिक किताबें रही हो, उन तमाम मतरूक कोशों पर अहले इल्म ने निगाह दौड़ाई और इस फन में कमाल पैदा किया। नवाब सिद्दीक हसन खां रहमतुल्लाह अलैह वाली भोपाल, उन्होंने सुन्नत मुतहरा की खिदमत के लिए बड़ा अजीमुशान मदरसा कायम किया। बड़े अफादिल उलमा को उन्होंने अपने मदरसे में बुलाया। काजी मोहम्मद मछली शहरी जैसे अफादिल उलमा उनके यहाँ मुदर्रिस रहे। उलमा की एक टीम उन्होंने तैयार किया। नवाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमाने में फतूल बारी छपवा कर अरब दुनिया तक को तकसीम की। इतना बड़ा कारनामा था। हमारे मुल्क हिंदुस्तान और उस वक्त जो तकसीम पाकिस्तान अमल में नहीं आया था वो कहला हिंद, जिसमें सिंध लाहौर पाकिस्तान का सारा हिस्सा, इतने बड़े बड़े बाकमाल उलमा पैदा हुए। अल्लामा मोहम्मद गोदरवी रहमतुल्लाह अलैह आपके यहाँ आप बैठे यहीं से 200-250 किलोमीटर की मसाफत पर मौलाना अब्दुलरहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह, और उसी मुबारक में मुबारकपुर में शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद गिरामी कद्र मौलाना अब्दुलसलाम रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सीरतुल बुखारी लिखी, उनके फर्जंदे गिरामी मौलाना उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस जिन्होंने मिरातुल मफातीह लिखी, शेख मुबारकपुरी ने तोहफा लिखी, सारी दुनिया के तमाम मकादिम फिक्र के बड़े बड़े उलमा ने इनकी किताबों से इस्तेफादा किया। मौलाना शमसुल हक बयानवी रहमतुल्लाह अलैह अजीम आबादी जिन्होंने औनुल माबूद फी हल बिशरहिल अबी दाऊद लिखी, बड़े बड़े दीगर मकातिब फिक्र के उलमा ने उनकी किताबों से इस्तेफादा किया। सुनन अबू दाऊद के नुस्खे उस जमाने में मुंतशिर थे, उन्होंने इज्जा किया, जमा किया। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे फाजिल आलिम दीन जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मशायर में से थे, बानी तबलीग या जिम्मेदारान तबलीग में से और तबलीग निसाब के मुसन्निफ और मुअल्लिफ मौलाना ज़करिया के मशायख में से थे मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अबू दाऊद की शरह लिखी।
लेकिन उनकी शरह को पढ़िए तो कुछ इस्तेफादा नजर आता है। उन्होंने मौलाना गयानवी रहमतुल्लाह अलैह जो फाजिल हदीस आलिम थे, उनकी किताब से पूरी किताब में इस्तेफादा किया। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए कायम किया कि हमारे उलमा ने एक फन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उसके तदारुक और उसके दफा में उतर कर उन्होंने हदीस और फन हदीस पर वो मेहनत की कि उसमें बाकमाल लोगों को पैदा किया। एक कोताही उस जमाने से अब तक चली आ रही थी, वो सही तरीके से हिफ्ज़ व तजवीद की रियायत करते हुए, फनी कवायद की रियायत करते हुए कुरान मजीद को सही तरतीब से न पढ़ने का एक आम मिजाज हमारे बड़े बड़े उलमा में था। मैं माफ़ी चाहते हुए याद करूँगा, इसी सरजमीन पर मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और कई दफ़ा तशरीफ लाए यहाँ से मौलाना और यहाँ प्रतापगढ़ के मुजाफात में। जब वो इल्म का दरिया बहाते थे, कुरान की तफासीर बयान करते थे तो एक अजीब रौनक होती थी, एक अजीब समा होता था। लेकिन वही मौलाना जब दलाई के तौर पर कुरानी आयतों की तिलावत करते थे तो अहले फन हंसते थे कि मौलाना बहुत मजहूल कुरान पढ़ते। और हमारे पुराने उलमा में अक्सर व बेशतर उलमा कुरान मजीद की तिलावत बहुत ढंग से नहीं कर पाते, मजहूल पढ़ने का आम रिवाज था और उनके जो शागिर्द थे उनके अंदर भी ये रिवाज पा गया। मौजूदा वक्त में अहले इल्म ने इसकी तरफ तवज्जो की, हमारी जमात को ये ताना हमेशा मिलता रहा कि यहाँ कुरान अच्छा पढ़ने वाले नहीं। मौजूदा वक्त में ये मदरसा जब कायम किया गया तो उसकी बुनियादी सोच ये रखी गई कि इससे कुरान के बेहतरीन शोबे चलाए जाए और इस पर मेहनत हुई, थोड़ा सा काम हुआ, अगरचे बच्चों की तादाद हमारे यहाँ घटती बढ़ती रही लेकिन इस पर एक मेहनत हुई, बच्चे कुछ निकले और काफ़ी दूर दराज रहकर उन्होंने कुरान मजीद की खिदमत की। और हमसे करीब नेशनल शायरा पर वाके कामयाबी हो रहा इस्लामिया लाल गोपालगंज के नाज़िम आला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बिल्कुल बरवक्त यहाँ तशरीफ़ लाए अपनी पूरी टीम के साथ। उन्होंने भी इस खिदमत को अंजाम दिया और जामिया के अंदर अच्छा शोभा कायम किया और बच्चों की एक माकूल तादाद भी उनके यहाँ है जिनके बच्चों ने आल इंडिया मुसाबिकों में अपने नंबरात लाए, उनके असातिज़ा ने मेहनत की और वो पहली दूसरी पोजीशन आल इंडिया मुसाबिके में लाए और वहीं से कुछ हटकर गंगा पार मौलाना तमीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक इदारा कायम किया वहाँ भी इसका शोभा कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेहनत हो रही। लेकिन इन सब से पहले यहाँ की बुनियाद पड़ी और इस पर हफ्फाज़ की एक टीम तैयार हुई। 10-20 सालों के अंदर हफ्फाज़ कराम की इस टीम ने लोगों को ये बताया या समझाने की कोशिश की कि हम भी कुरान मजीद अच्छा पढ़ते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि अहले हदीस मदारिस मुल्क के किसी भी कोने में हो वहाँ हिफ्ज़ के मुस्तकिल शोबे और उस पर फनी एतबार से मेहनत, इराक की तजवीद की कवायद की याद कराने की, फहम के जरिए पढ़ने पढ़ाने की समझाने की पूरी सलाहियत उन बच्चों में पैदा की जा रही है। कुछ बच्चे हमारी जमात के ऐसे भी निकले जिन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया और उन्हें हरमैन शरीफैन की ज़्यारत का शर्फ भी हासिल हुआ, वहाँ की तरफ से उन्हें बुलाया गया। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, सुन्नत मुतहरा शरीयत मुतहरा और कुरान मजीद की बहुत बड़ी खिदमत है, अल्लाह ताला इसको बाकी रखे। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के प्रोग्राम को समेट कर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ और दरमियान में हम तकारीर का भी सिलसिला जारी रखें। इस सिलसिले में मैंने बच्चों की एक लिस्ट पेश की है। दूसरी, मैं अपने उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा कि वो जहन में रखें, मुमकिन होगा तो दरमियान में या बच्चों के प्रोग्राम के बाद एक तकरीर तकरीबन 20 मिनट की फ़ज़ीलत शेख अज़हरुद्दीन रहमानी हिफ़्ज़हुल्लाह उस्ताद जामिया अल-हुरैरा इस्लामिया लाल गोपालगंज की होनी है। दूसरी तकरीर फ़ज़ीलत शेख रियाज़ अहमद सलेफ़ी हिफ़्ज़हुल्लाह जामिया अल-हुरैरा इस्लामिया लाल गोपालगंज
अब शेख जामिया है वहाँ के, शेख तमीम अहमद मदनी, और तासुराती कलिमात के लिए मदीनत शेख मौलाना मोहम्मद हसन खान सलफी हमदुल्ला नादिम आला जामिया अबू हुरैरा इस्लामिया लाल गोपालगंज, और भी दरमियान में कोई तरतीब उल्टी पलटी तो मैं इंशाल्लाह उससे आगाह करूँगा। आखिर में हम शुक्रिया के कलिमात अदा करने के लिए भारी नजमुल हसन फैदी हमदुल्ला को आखिर में हम दावत देंगे, और दरमियान में मदरसा और अरबाब मदरसा के मुतालिक एक रिपोर्ट मैं भी पेश करूंगा। अब तिलावत पेश करेगा। याद रहे ये आम छोटे मोटे मकतब में पढ़ने वाला तालिबे है।